स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। अच्छा स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। द कंपनी पी पेड 85,000 फॉर 90% इंटरेस्ट इन स्टॉक ऑफ कंपनी ए ऑन जनवरी 1967। अच्छा जी, स्टार्ट पे उसने एक्वायर किए हैं, पेड किए हैं ए को एक्वायर किया कंपनी पी ने 85,000। इन्वेस्टमेंट कास्ट है इसकी टोटल और 90% ऑनरशिप इंटरेस्ट रेट है। इन्वेस्टमेंट इज कैरिड एट कॉस्ट। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट को कैरी कॉस्ट मेथड के थ्रू करना है। ड्यूरिंग द कंपनी ए रिपोर्टेड नेट इनकम ऑफ 30,000 एंड पे डिविडेंड ऑफ 10,000। अच्छा, साल के दौरान नेट इनकम जो है वो 30,000 है और डिविडेंड जो पेड किया वो 10,000 है। एट द एंड ऑफ ईयर कंपनी ए रिपोर्टेड ए रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस 5,000। इसमें ओपनिंग रिटेन अर्निंग नहीं गिवन, एंडिंग रिटेन अर्निंग 5,000 गिवन है जी। जी कैपिटल स्टॉक रिमाइंड अनचेंज एट 80,000 और कैपिटल स्टॉक इसका 80,000 है। व्हाट वुड बी एलिमिनेशन ऑन कंसोलिडेटेड वर्किंग पेपर, व्हाट इज़ द कॉस्ट और बुक वैल्यू एक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटेन अर्निंग अक्यूरिंग द पेरेंट कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सिडी। फर्स्ट एंट्री में आपने एलिमिनेशन की एंट्री पास करनी है और सेकंड में आपने एक्सेस ऑफ कॉस्ट और बुक वैल्यू। इसमें मेन चीज़ जो है बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने जस्ट ओपनिंग रिटेन अर्निंग फाइंड करनी है, उसके बाद तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट, टेक्निकल पॉइंट आ गया आपने ओपनिंग रिटेन अर्निंग फाइंड। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 4 है जी, 11 है, सॉरी 12 है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम ऑनरशिप इंटरेस्ट गिवन है 90% है, सेस ऑफ कॉस्ट फाइंड करनी है, उसके पहले हमें रिटेन अर्निंग ही फाइंड, ओपनिंग रिटेन अर्निंग। कैलकुलेशन सबसे पहले जी वन सही, कब अक्वायर किया था, जनवरी 1967 रिटेन्ड अर्निंग नहीं है। उसके बाद इसमें ऐड क्या करते हैं, नेट इनकम ऐड करते हैं, वो क्वेश्चन में गिवन है ये 30,000, वो हम इधर लिखेंगे, ओपनिंग को फिलहाल छोड़ देंगे। नीचे क्या आता है जी, टोटल रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल फॉर डिविडेंड, अच्छा जी इसका भी अभी हमें पता नहीं है, लेस करेंगे इसमें डिविडेंड। वो कितनी अमाउंट से जी, 10,000। और एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग वो कितनी है जी, 5,000। अच्छा जी, अब हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे जी, वो कैसे जी, ये 5,000 जो इस सब्सट्रैक्ट हो रहा है, अब इसमें ऐड करेंगे जी, 10,000 प्लस 5,000 15,000, ये ऊपर 15,000, तो ऊपर क्या अमाउंट थी जो 15,000 आ रहा है, ये 30,000 है, तो इसमें 15,000 लेस करेंगे,
सॉरी, ये 30,000 है, इसमें 15 लेस करेंगे तो 15,000 डेफिसिट हो। हाँ क्योंकि ये डेफिसिट होगा, 15,000 आ रहा है, ऊपर 15,000 डेफिसिट होगा तो 30,000 आ रहा है, तो इसलिए ये डेफिसिट बैलेंस है रिटेन मनी। अब इसकी फाइंड करते हैं, लैमिनेशन की एंट्री क्या होगी, लैमिनेशन की एंट्री करनी है हमें। क्या हो गई, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटेन अर्निंग डेफिसिट है अपनी तो डेफिसिट ही लेंगे, रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट, और उसके बदले में जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी क्रेडिट। आपने कंपनी स्टॉक वो सब कुछ लिखना। चलिए कैपिटल स्टॉक कितने से जी, 80,000 का, उसका 90%, 72,000, और रिटेन अर्निंग कितने से जी, 15,000 डेफिसिट है, इसका 90%, 13,500, और इन्वेस्टमेंट बाकी जो डिफरेंस होगा वो 72,000 लेस 13,500, 58,500। ये जी इसकी रिक्वायरमेंट ए होगी। अब नेक्स्ट करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट बी, सेस ऑफ कॉस्ट और बुक वैल्यू, सेस ऑफ कॉस्ट और बुक वैल्यू, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कितने से जी, क्वेश्चन में गिवन है गाइस 85,000। और लेस करेंगे इससे बुक वैल्यू, बुक वैल्यू में जी कैपिटल स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग। कैपिटल स्टॉक इतने से जी 80,000 का 90%, और रिटेन अर्निंग 15,000 का 90%। सेवेंटी टू थाउजेंड है, और ये डेफिसिट 13,500। अठवंजा हजार पाँच सौ ये लेस करेंगे इसमें, 84,000 माइनस आंसर 58,500, 26,500। ये क्या आ गया जी, एक्सेस ऑफ कास्ट। एक्सेस ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी, अब इसकी रिटेन अर्निंग की, पेरेंट की बुक में रिटेन अर्निंग क्या आएगी जी, वो अब करनी है इसकी फाइंड। इसमें सेकंड करनी है पोर्शन ऑफ रिटेन अर्निंग टू पेरेंट, पोर्शन ऑफ रिटेन अर्निंग टू पेरेंट, पेरेंट की बुक में कौन सी रिटेन अर्निंग आएगी। सबसे पहले जी ओपनिंग रिटेन अर्निंग, उससे लेस करेंगे एंडिंग, ओपनिंग कितनी थी 15,000,
डेफिसिट 5,000 लेस करेंगे तो 10,000। ये भी लेस करेंगे, लेस लेस इक्वल हो जाएगा 20,000। सॉरी, ये भी इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5,000 में लेस करेंगे तो ये 20,000 हो जाएगा डेफिसिट। और इसका ऑनरशिप इंटरेस्ट कितना है जी? 90%। तो 90% का 20,000 का 90% 18,000 रिटेन अर्निंग पेरेंट की बुक में शो। लो जी स्टूडेंट, आज का यही क्वेश्चन था, इतना सा क्वेश्चन था। अगर किसी बच्चे को कोई समझ नहीं लगी किसी चीज़ की तो वो कमेंट में पूछ सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।